हेलो दोस्तों, टेकी समा में आज आप सभी का स्वागत है। और आज का वीडियो एक फोटोशॉप ट्यूटोरियल है। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि किसी भी इमेज या फिर फोटो में कैसे कोई ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट ऐड किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें फोटोशॉप ओपन करना होगा। मैंने यहाँ पे एक फोटोशॉप ओपन किया है। फिर फाइल पे जाके किसी भी इमेज को ओपन करना होगा। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड किया है, देखिए एक टाइगर की इमेज है, तो इसको ओपन कर दूंगा। और ये मेरा ग्रीड आ रहा है, तो मैं इसको व्यू पे जाके ऑफ कर दूंगा एक्स्ट्रा से। अब हमें क्या करना होगा, एक न्यू लेयर क्रिएट करना होगा। तो आप सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एंड एंड से भी क्रिएट कर सकते हैं एक लेयर, या फिर आप इस ऑप्शन से भी एक न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, एडिट पे जाके ये फिल ऑप्शन है, इसमें क्लिक करना होगा। और फिर एक ये कंटेंट यूज वाइट एंड ओपेसिटी 50% ओके करना। अब हमें एक टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके किसी भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे टाइगर लिखूंगा भी। अब इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा। तो अब हमें क्या करना होगा, सिंपली इस लेयर पे, टेक्स्ट वाले लेयर पे राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक एडवांस्ड ब्लेंडिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे हमें फिल ओपेसिटी ये 30 से 50% तक रखना होगा। मैं यहाँ पे 35% रखूँगा। और ये देखिए नॉकआउट ऑप्शन है, इसको हमें नन से स्वालो करना होगा। तो आप देख सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट इफेक्ट आ गया है। तो और मैं यहाँ पे थोड़ा एक स्ट्रोक भी डाल देता हूँ, और इसका साइज मैं 1 पिक्सल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यह ट्रांसपेरेंट इफेक्ट आ गया है। अब मैं इस टूल को, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को सिलेक्ट करके, हमें जिसका ज़रूरत नहीं होगी, जिस पार्ट की, सॉरी, मैं इस लेयर 1 को सिलेक्ट करके जिस पार्ट की ज़रूरत नहीं है उसको हमें डिलीट कर देना होगा। तो इसको सिलेक्ट करके सिंपली डिलीट की को प्रेस करना होगा, और फिर कंट्रोल डी से डिसलेक्ट करना होगा। और यहाँ नीचे भी वैसे ही इस वाले पार्ट को हमें डिलीट की से डिलीट कर देना है, और कंट्रोल डी। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट ऐड हो गया है। अब क्या करना होगा, इस लेयर को सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यह अब रेडी है। अब चाहे तो इस दोनों लेयर को एक ग्रुप में ऐड कर दे सकते हैं, और जहाँ चाहे वहाँ पे मूव कर दे सकते। मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ। तो हमारा ये इमेज एकदम रेडी हो गया है। अगर ये वीडियो आपने पसंद किया है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। हमें आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो पर।